प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जो एपी दी हुई है हमें, उनके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट आता है उसमें एपी दी हुई है अभी हमें। एपी क्या है? 3, 1 माइनस 1, 3, 3, 1 माइनस 1 और 3 अप टू 1। ये एपी दी हुई है अभी, इसके लिए फर्स्ट टर्म निकालिए। तो फर्स्ट टर्म तो यही है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए क्या हमारी 3, क्या भी हमारी 3। सेकेंड टर्म ए टू क्या है 1, तो कॉमन डिफरेंस होता है भी, कॉमन डिफरेंस होता है या तो आप सेकेंड में से फर्स्ट घटाइए, या थर्ड में से सेकेंड घटाइए, या फोर्थ में से थर्ड घटाइए, मर्जी आपकी। यानी एक टर्म में से उससे पहले वाला टर्म घटा दीजिए आप, पहले टर्म को छोड़कर, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो मर्जी आपकी भाई, सेकेंड में से फर्स्ट घटा लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, 1 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2। क्या जाएगा? -2। इस एपी के लिए हमें फाइंड आउट करना था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है एपी जो है वो है हमारी 1/3, 5/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो फर्स्ट टर्म ए 1/3 और सेकंड टर्म है 5/3। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा अभी? कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5/3 माइनस 1/3। बेस सेम है तो ऊपर वाले घट जाएंगे, 5 में से 1 गया 4 और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा 4/3 क्या जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म क्या अभी? फर्स्ट टर्म भी लिख दीजिए, बल्कि आप फर्स्ट टर्म लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। ब्रैकेट लगानी है यहाँ पर आप लोगों। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म ऑफ एपीज फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये कह रहे हैं इनमें से कौन से वाली जो सीरीज है वो एपी बनाती है। अगर एपी बनाती है तो आप कॉमन डिफरेंस लिखिए उसका, और आगे की 3 टर्म और लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई 2, 4, 8, 16। मैंने आपको बताया था अभी एपी की डेफिनेशन, अगर सभी टर्मों का कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस सॉरी इक्वल हो, तो वो क्या होती है? एक एपी होती है। क्या होती है? एक एपी। तो देखते हैं यहाँ पर, पहले ए 2 माइनस ए 1, सेकेंड में से फर्स्ट घटाइए, 4 माइनस के 2 तो हो जाता है 2। ए 3 माइनस के 2, थर्ड में से सेकेंड घटाइए तो वो होता है 4। ए 4 माइनस ए 3, 16 में से 8 घटा देंगे वो क्या होता है? 8। तो हम लिखेंगे ये सब क्या थे भाई? कॉमन डिफरेंस। क्या थे ये? कॉमन डिफरेंस। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल सो द फॉलोइंग सीरीज डज नॉट मेक एन एपी। इसलिए जो दी हुई सीरीज है वो एक समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाती। अगर ये कॉमन रेशो इक्वल होता, सॉरी कॉमन डिफरेंस इक्वल होता, तो ये क्या बनाती भी? एक सीरीज क्या बनाती? एक एपी। क्या बनाती है? ये एपी। और फिर हमें नेक्स्ट थर्ड टर्म उसकी फाइंड आउट करनी थी। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है, इसी का ही पार्ट है भाई, थर्ड कर लेते हैं अभी, -1.2 जो सीरीज है वो दी हुआ -1.2, -3.2 और -5.2 और -7.2 अप टू 1। तो मैं लिखता हूं पहले ए 1 या ए 2 माइनस ए 1,
-3.2 -1.2 -3.2 -1.2 दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आ जाए, 2 -2 0 और 3 -1 2 -2 आ जाएगा भाई। A3 - A2 थर्ड टर्म में से सेकंड घटानी है, 5.2 -3.2 तो -5.2 -- हो जाएगा +3.2 तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2 वही -2 आ जाएगा। तो A4 - A3 तो -7.2 -+ -7.2 हो जाएगा 5.2 तो हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा। ये तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर इक्वल सो फॉलोइंग सीरीज फॉर्म एन एपी जो दी हुई सीरीज है वो क्या बनाती है भाई, एपी। अगर एपी बनाती है तो इसने कहा है भाई नेक्स्ट 3 टर्म और लिखी इसकी, तो 4th तक तो लिखी हुई है। A5th क्या होता है, 4th टर्म में अगर मैं डी ऐड कर देता हूँ, ये डी है भाई, सारे के सारे क्या है ये डी, तो 4th टर्म में अगर डी ऐड कर देता हूँ या फिर A+4D मर्जी हमारी है, A+4D लिखिए या 4th टर्म में डी ऐड कीजिए, ये तो जनरल फॉर्मूला भी, तो हम 4th टर्म में ही डी ऐड करेंगे भाई। 4th टर्म थी हमारी -7.2 डी ऐड करेंगे -2 तो -9.2 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे भाई, -7.2 में -2.0 दो और -9.2। A6 निकालते हैं भाई तो 5th टर्म के अंदर डी ऐड हो जाएगा, 5th टर्म में 9.2 -2 हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू -2 ऐड होने का मतलब -+- तो -11.2। और A7 निकालते हैं तो A6 में डी ऐड हो जाएगा -11.2 -2 तो -13.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -13.2 हो जाएगा भाई। ऐसे आप लोगों ने इसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, नहीं चलो मैं और करवा देता हूँ भाई, आपको कुछ और पार्ट सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स को देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन आता है इसका 6th पार्ट, ये 5th देख लेते हैं, 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √3 up to so on 3 + √2 3 + 2 √2 or 3 + 3 √2 तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, A2 - A1 3 + √2 - 3 तो √2 रह जाएगा भाई। A3 - A2 A3 की वैल्यू है 3 + √2 - A1 A2 की वैल्यू है 3 + √2 3 + √2 - 3 - √2 इससे ये कैंसिल भाई, प्लस माइनस कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 रहेगा, क्या रहेगा √2, ये दो बार है भाई, एक बार है, 2 में से 1 रहेगा। तो A4 - A3 3 + √2 - 3 + 2 √2 ये घट जाएगा इसमें से भाई, तो 3 + √2 - 3 - 2 √2 इससे ये कैंसिल, 3 में से 2 3 ये 3 बार है और ये 2 बार है अभी, तो 1 बार रह जाएगा। देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ सारे के सारे क्या है, इक्वल, क्या है भाई इक्वल, तो लिखेंगे हम कॉमन डिफरेंस आर इक्वल सो फॉलोइंग सीरीज फॉर्म एन एपी क्या बनाती है भी, एपी बनाती है तो नेक्स्ट 3rd टर्म और लिखनी है ए फिफ्थ होती है A4 + D A4 की वैल्यू 3 + √2 और D की वैल्यू भी √2 है तो 3 + ये 3 बार है, ये 1 बार तो कितनी बार हो जाएगा, 4 टाइम्स कितनी बार हो जाएगा भाई, 4 टाइम। A6 निकालते हैं भाई, A5th में D ऐड कर देते हैं तो 3 + 4 √2 + √2 तो 3 + 5 √2 हो जाएगा।
A7 निकालते हैं भाई, A6 के अंदर हम D ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये हमने 3 मोल टर्म और फाइंड आउट कर दी भाई। कितनी मोल टर्म और फाइंड आउट करी हमने? 3 मोल टर्म और हमने फाइंड आउट कर दिया इसकी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, एक और पार्ट कर लेते हैं भाई, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32। देखिए भाई, ये इसमें से घट तो नहीं सकता, बट हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, कुछ ऐसा नहीं है ये। अंडर रूट 2 4 इंटू 2 जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकलता है, ये है 9 इंटू 2 और ये है 16 इंटू 2। ये अंडर रूट 2 रह गया भाई, 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है 2 अंडर रूट 2, इसका अंडर रूट 3 आ जाता है 9 का और इसका 4 आ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखना A2 माइनस A1 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 जाएगा तो अंडर रूट 2 रहेगा, दो टाइम में से एक टाइम, 3 में से सेकंड, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 ये भी अंडर रूट 2 रहेगा, और फोर्थ में से थर्ड, 4 टाइम अंडर रूट 2 में से 3 टाइम अंडर रूट 2 जाएगा तो वो भी अंडर रूट 2 रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो द फॉलोइंग सीरीज फॉर्म एन एपी, और नेक्स्ट 3 टर्म और आप इसकी फाइंड आउट कर दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहता है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 73। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और 73। देखते हैं A2 माइनस A1, 25 में से एक जाएगा भाई 24 रहेगा, A3 माइनस A2 निकालते हैं, 49 में से 25 जाएगा वो भी 24 रहेगा, और A4 माइनस A3 निकालते हैं, 73 में से 49 जाएगा तो 4 और 6 में से 4 गए दो वो भी 24 रहेगा। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो द फॉलोइंग सीरीज फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी, और नेक्स्ट 3 टर्म लिख दीजिए भाई, A4 प्लस डी, ये डी है भाई हमारा, ये भी डी है और ये भी डी है भाई। जहां पर ये इक्वल नहीं आते ना वहां पर इनका नाम D1 D2 D3 दे दीजिए, क्योंकि वो इक्वल है ही नहीं। A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू है 73 और D की वैल्यू है 24, 4 और 3 7, 7 और 2 9, A6 A5 प्लस D 97 प्लस 24, 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, A7 लिखते हैं A6 प्लस D तो 121 प्लस D की वैल्यू 24 है, 4 और 1 5, 2 और 2 4, एकदम तीन टर्म फिर आ जाती है, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म और हमने फाइंड आउट कर लिया भाई। तो आज की क्लास में हम यहीं तक स्टडी करेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे के सारे पार्टों को सॉल्व करके देखना भी, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।